एक दिन भाई ने ना YouTube पे एक चैनल देख लिया था MrBeast नाम का, देखा ही होगा लोगों ने। तो भाई ने कहा यार ऐसे तो मैं भी बना सकता हूँ। MrBeast gave me a dare. Hey Fukra Insaan, we're currently in the Jaipur airport and I have a challenge for you. Okay. I challenge you to spend 24 hours in the middle of a desert. मैं हूँ इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट में। एक 4-5 वीडियोस का बल्क अमाउंट आया हुआ था एक बारी में। अच्छा। काफी सही अमाउंट आता था, 40-50 प्लस था। एस्टिमेटेडली कितना कमा लेते फुकरा? क्लियर बोलना आसपास में। आईफोन लेने जाओ हाँ तो 15-20 आईफोन तो खरीद सकते हैं। आईफोन कौन से वाले? 14 ना? 14 प्रो मैक्स। अभिषेक मल्हान के फुकरा इंसान बिग बॉस के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट है और वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स में से एक है। इनफैक्ट उन्हें इंडिया का मिस्टर बीस्ट कहा जाता है और उनके मेन चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अभिषेक हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं, जो आज किसी भी हाई पेइंग जॉब जैसे डॉक्टर या इंजीनियर से कहीं ज्यादा है। पर कैसे आजकल के यूट्यूबर्स बड़े बड़े प्रोफेशनल से ज्यादा कमा रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे फुकरा इंसान साल के 12 करोड़ से भी ज्यादा कमाता है। तो चलिए देखते हैं। अभिषेक मल्हान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फुल टाइम यूट्यूबर है और 26 की एज में उन्होंने जितना नेम फेम और पैसे कमाए हैं उतना कई लोग अपनी लाइफ में नहीं कमा पाते। और 19 की एज में कॉलेज के साथ उन्होंने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया था जिसका नाम था मिस्टर बॉन्ड और पहले ही साल का टर्नओवर 6 करोड़ रुपए था। पर एक गलती की वजह से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया। फिर मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। बहुत कम लोगों को पता है मिस्टर बॉन्ड करके, मैंने बताया भी था मतलब, बट लोगों को ऐसे पता नहीं कि मिस्टर बॉन्ड मेरा बिजनेस था। वो क्लीनिंग रेंज से रिलेटेड था, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पहले हमने स्टार्ट करा था रीसेल से, बट 1 साल के अंदर हमारा टर्नओवर पहुंच गया था 6 करोड़। अच्छा हाँ, 1 साल पहले साल 6 करोड़। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना YouTube चैनल फुकरा इंसान और अब इनकी पूरी फैमिली ने YouTube को ही अपना बिजनेस बना लिया है, क्योंकि अभिषेक के भाई निश्चय एक ट्रिगर्ड इंसान जो बहुत फेमस यूट्यूबर है जिनके ओवरऑल 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड इनकी सिस्टर प्रेरणा मल्हान, इनके चैनल पे 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। ऑल्सो अभिषेक की मम्मी भी यूट्यूबर है डिम्पल मल्हान, जिनके चैनल पे 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। यूट्यूब पर अभिषेक के टोटल 4 चैनल्स है। फर्स्ट उनका मेन चैनल फुकरा इंसान जो उन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में और आज इस पे 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और इस चैनल पर वो ज्यादातर चैलेंजेस, प्रैंक्स, डैश और कंपैरिजन वीडियो डालते हैं और चैनल के टोटल व्यूज 1 बिलियन से भी ज्यादा है। उनका दूसरा चैनल है फुकरा इंसान लाइव जो उन्होंने 2020 में शुरू किया था और उस पर अभी 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इनिशियली वो इस चैनल पर लाइव गेमिंग वीडियोस अपलोड करते थे, पर अभी वो ज्यादातर फनी मीम्स पर लाइव रिएक्शन वीडियोस डालते हैं और इस चैनल पर 270 मिलियन प्लस व्यूज है। थर्ड चैनल है फुकरा इंसान शॉर्ट्स जो उन्होंने 2021 में शुरू किया था और उसपे 4.8 लाख सब्सक्राइबर्स है। इस चैनल में वो फनी शॉर्ट क्लिप्स डालते हैं एंड चैनल के टोटल व्यूज 180 मिलियन से भी ज्यादा है। और फोर्थ चैनल मल्हान रिकॉर्ड्स जो उन्होंने 2022 में ही स्टार्ट किया था और सिर्फ 5 वीडियोस में उनके 2.6 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और यहाँ वो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस अपलोड करते हैं और चैनल के टोटल व्यूज 6.5 मिलियन से ज्यादा है। पर अब क्वेश्चन ही आता है कि ये इतने पैसे कमाते कैसे हैं? फुकरा इंसान की मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू नहीं, पर और भी कई सारे हिडन सोर्सेज हैं उनके। स्टार्ट करते हैं एड रेवेन्यू से। और टेक्निकली देखें तो यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजर्स के लिए और इसीलिए ब्रांड्स यूट्यूब को पैसे देती है क्रिएटर के चैनल पे अपनी ब्रांड प्रमोट करने के लिए। और जब भी लोग ये एड्स को देखते हैं उससे जनरेट होता है रेवेन्यू एंड ये रेवेन्यू जनरेट होता है इससे यूट्यूब भी अर्न करता है, बट उसमें से यूट्यूब क्रिएटर को पे करता है आरपीएम जो होता है रेवेन्यू पर माइल, जिसको हम मेजर करते हैं पर 1000 व्यूज पे। और बात करें उनके यूट्यूब रेवेन्यू की तो वो मेजरली 2 चैनल से सबसे ज्यादा पैसे अर्न करते हैं, एक फुकरा इंसान एंड फुकरा इंसान लाइव। और यहाँ वो काफी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं और उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो में ये बताया था कि वो मंथली कितना अर्न करते हैं। मैंने देख लिया कि भाई फुकरा इंसान नेटवर्थ कहीं सही नहीं है, लाइक यूट्यूब से हमारी इनकम बन जाती है 7-8 लाख रुपए। बात वहीं आती है इन दी एंड हमारी वीडियोस के खर्चों पे डिपेंड करता है। लाइक जैसे मेरी वीडियो में बहुत खर्च होते हैं, लाइक आपने देखा होगा जो हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे हैं 7 से 8 लाख रुपए महीने के, वो भी बस यूट्यूब एडसेंस से। तो साल के हो गए अराउंड 1 करोड़ रुपए। पर ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि फुकरा इंसान की एक वीडियो शूट करने में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं और कोई स्पेशल इवेंट्स में ये अमाउंट 8 से 10 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब फुकरा इंसान लॉस में है, ये आंसर आपको आगे मिलेगा। थर्ड चैनल है मल्हान रिकॉर्ड्स और यहाँ ये वीडियो सॉन्ग अपलोड करते हैं, बट यहाँ ये उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि इस चैनल को उन्होंने 2021 में स्टार्ट किया था, बट अभी तक सिर्फ 5 ही सॉन्ग्स डाले हैं। फोर्थ चैनल जो कि एक शॉर्ट्स चैनल है, तो इस चैनल का आरपीएम या रेवेन्यू डेफिनेटली सबसे कम होगा बाकी सारे चैनल से। एंड मनोज दे जो अपने चैनल पर यूट्यूब अर्निंग्स रिवील करते हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में यूट्यूब शॉर्ट्स का एड रेवेन्यू डिस्क्लोज किया था जिसका आरपीएम बस $0.01 था। तो इससे हम फुकरा इंसान शॉर्ट्स चैनल की अर्निंग्स निकाल सकते हैं, जहां उनके शॉर्ट्स के टोटल व्यूज थे 182 मिलियन। और अब इस व्यूज को मल्टीप्लाई करें आरपीएम से, जो इंडियन करेंसी में होंगे 0.8 पैसा, और इसे 1000 व्यूज से डिवाइड करने पर फुकरा इंसान शॉर्ट्स चैनल की टोटल अर्निंग्स होती है 1.4 लाख रुपीज। तो इससे आप समझ गए होंगे कि YouTube अभी शॉर्ट्स पर कुछ खास रेवेन्यू नहीं दे रहा है। अब बताएं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पर, जो है ब्रांड प्रमोशंस एंड स्पॉन्सरशिप्स। और मैं आपको एक बात बता दूं दैट क्रिएटर्स जितना YouTube से अर्न नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा ब्रांड डील से अर्न करते हैं। तो वैसे आपका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसकी परसेंटेज वाइज कट करे तो कहां से कितना परसेंटेज रेवेन्यू बनता है? अब बेसिकली जितना भी रेवेन्यू देखो तो आप मेरा 75% रेवेन्यू इज माय ब्रांड रेवेन्यू। और इंस्टाग्राम पर फुकरा इंसान के 3.6 मिलियन फॉलोअर्स है, और वहां भी वो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और मोस्टली एक ब्रांड से 5 to 6 लाख रुपीज चार्ज करते हैं। एंड शिवम मलिक जो एक यूट्यूबर एंड क्रिएटर है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो 5 मिलियन फॉलोअर्स पे ब्रांड प्रमोट करने के लिए 7 to 8 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। आपका मिलियन में अभी व्यूज आ जाता है पर रील अगर आप डालते हो तो एवरेज एक आइडिया के लिए कितना आप चार्ज करते हो एक वीडियो का? देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 5 लाख से लेके 8 के बीच में कहीं भी सुई घूम जाती है। तो फुकरा इंसान के केस में वो मंथली इंस्टाग्राम पर 2 से 3 ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, तो उनकी इंस्टाग्राम से मंथली इनकम होती है 15 लाख रुपीस और 1 ईयर के हो गए ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ रुपीस। एंड ये अमाउंट भी अभिषेक के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि YouTube पर भी उन्हें काफी ब्रांड प्रमोशंस मिलती है, जिससे वो इतने पैसे कमाते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। बट फुकरा इंसान इस चीज में भी मास्टरमाइंड है, क्योंकि नॉर्मली दूसरे यूट्यूबर्स एक ब्रांड से एक ही बार काम करते हैं, बट अभिषेक फोकस करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप प्लस पूरी वीडियो ही ब्रांड से डेडिकेटेड रखे, जिससे वो ब्रांड से बल्क में पैसे चार्ज कर सकते हैं। पर इससे हम सबको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रांड्स इतने पैसे देती क्यों है, तो इसका आंसर भी अभिषेक ने ही दिया था एक पॉडकास्ट में। मेरे ख्याल से तो रिटर्न्स भी उनको टीवी से और उन बैनर से ज्यादा YouTube वाले भाई सबसे अच्छा वो देते हैं रिटर्न ROI। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, देयर वाज अ ब्रांड जिसके साथ हमने कोलैबोरेट करा था 4-5 वीडियोस के लिए, और वी गेव देम 1,70,000 क्लिक्स एंड उन्होंने मतलब उनका पूरा ब्रांड हिल गया था। इसके बाद वो म्यूजिक वीडियोस से भी पैसे कमाते हैं एंड उन्होंने अभी तक 10+ वीडियोस की है, और उनकी सबसे फेमस वीडियो है बिग लाइक, जिसपे 18 मिलियन व्यूज है। बट ये तो एंटरटेनमेंट यूट्यूबर है, तो फिर अभिषेक म्यूजिक वीडियोस क्यों करते हैं? क्योंकि म्यूजिक वीडियोस को हम बार बार सुनते हैं और बाकी नॉर्मल वीडियोस को हम सिर्फ एक बार देखते हैं, इसीलिए म्यूजिक वीडियोस का रिकॉल रेट बहुत ज्यादा होता है, और हम जितनी बार म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं उसका एड रेवेन्यू उतना बढ़ता है। प्लस दूसरे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब एडसेंस से कहीं ज्यादा पैसे देती है आर्टिस्ट को। एंड अब तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी अपने हेडफोन एंड फोन्स भी प्रमोट करवाती है म्यूजिक वीडियोस के अंदर, जिससे आर्टिस्ट को एडिशनल इनकम हो जाती है। एंड अभिषेक बिग बॉस से भी काफी पैसे अर्न कर रहे होंगे, और अगर अभिषेक इस सीजन के विनर बनते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, तो उन्हें 25 लाख रुपीस मिलेंगे। एंड सक्सेस नेवर कम्स इजी, बट अभिषेक ने कैसे इस सक्सेस को अचीव किया और कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया, तो चलिए अब उनके यूट्यूब चैनल को समझ के डिकोड करते हैं। फुकरा इंसान ने सिर्फ 4 साल में 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए, तो अब बात करते हैं उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की। जब इंडिया में रोस्टिंग और गेमिंग वीडियोस ज्यादा चल रहे थे, तब अभिषेक ने सोचा कि वो कुछ नया करेंगे। तब उन्होंने मिस्टर बीस्ट की चैलेंज वीडियोस देखी और कहा कि ये वो खुद भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने चैलेंज वीडियोस बनाना शुरू करा, और ऐसे वीडियोस लोग एंड तक क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, जिससे इनका चैनल जल्दी ग्रो होने लग गया। इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट ने अभिषेक को चैलेंज भी दिया था एक वीडियो में, जिसमें उनको 24 आवर्स के लिए पानी में रहना था। Mr. Beast gave me a dare. Hey Fukra Insaan, I know you do a lot of dare videos, so I have one very special for you. I dare you to spend 24 hours in the middle of the ocean. और उनके चैलेंज वीडियोस लोग काफी पसंद करते हैं, इसीलिए उनके ऐसी वीडियोस पर 10 to 20 मिलियन व्यूज आते हैं। एंड फुकरा इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो चैलेंज वीडियोस बनाते ही है, पर स्ट्रेंजर्स के साथ भी बनाते हैं, एंड चैलेंज कंप्लीट होने पर उन्हें रिवॉर्ड्स भी देते हैं। प्लस उनके वीडियोस के टाइटल्स एंड थंबनेल्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं उनकी वीडियोस देखने के लिए। एंड अभिषेक बहुत स्मार्टली फेमस यूट्यूबर्स के साथ वीडियोस बनाते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी, जिससे उनके चैनल की ऑडियंस भी फुकरा इंसान को देखना स्टार्ट कर देगी, एंड इससे इनके व्यूज बढ़ेंगे, और यूट्यूब पर जितने ज्यादा व्यूज मतलब उतने ज्यादा पैसे। और बिग बॉस में आने के बाद उनके सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड उनके फ्रेंडली नेचर की वजह से लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं एंड शो का विनर भी बनाना चाहते हैं। तो ये थी अभिषेक मलान एके फुकरा इंसान की यूट्यूब जर्नी, जो अपने यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट की वजह से इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर बन गए। एंड आप भी कोई स्किल लर्न करके यूट्यूब पर पैसे अर्न कर सकते हो, बिल्कुल अभिषेक की तरह। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि बिग बॉस कौन जीतेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करे।